वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि शिवसेना के मंत्री को नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देना था और उन्होंने दे दिया। बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है, शिवसेना को शुभकामनाएं, लेकिन यह गठबंधन कर्नाटक जैसा ही है। इस बीच मेघवाल ने बीकानेर के निकाय चुनाव पर कहा कि बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है, कुछ लोग नाराज हैं, उन्हें भी मनाया जा रहा है। बीजेपी की खास बात यही है कि यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। इस मौके पर अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल इन दिनों बीकानेर में हैं। दरअसल बीकानेर में निकाय चुनाव भी हैं और बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि अर्जुन मेघवाल कैंप की इसमें अहम भूमिका भी है। हालांकि देश की सियासत में भी कई डेवलपमेंट आए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले निकाय चुनाव से हम शुरू करते हैं। सुना है सर, आज आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लगातार आपकी टीम जो है वार रूम बना रखा है, आप उन लोगों से मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी में आस्था रखते थे और किन्हीं कारणों में उनको मौका नहीं मिला, उन लोगों से आप लगातार संपर्क कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा भी है कि टिकट वितरण के बाद डैमेज कंट्रोल के काम को किया जाना चाहिए। उस श्रृंखला में हमारे जिलाध्यक्ष जी डॉक्टर सतप्रकाश आचार्य जी, हमारे प्रभारी निकाय के सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी साहब, अन्य पदाधिकारी सभी लगे हुए थे। जहाँ जिलाध्यक्ष जी ने मुझे ड्यूटी दी, क्योंकि हम या निकाय चुनाव में या कोई और चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ये भी है कि हम जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ही काम करते हैं। तो सुबह से जो ड्यूटी मुझे दी जिलाध्यक्ष जी ने, वो ड्यूटी मैं कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ डैमेज कंट्रोल करने का काम करने का प्रयास किया है। कई जगह गया हूँ मैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड निश्चित रूप से बीकानेर में बनेगा। लेकिन इस पर एक बात और, केंद्र की राजनीति में हम देखें शिवसेना और भाजपा के बीच जो हुआ है, आपको जानकारी है ही, तो क्या मतलब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि शिवसेना ने आज फिर कहा है कि भाजपा को विपक्ष में बैठना मंजूर है, लेकिन अपने साथियों के साथ जो वादा किया उस पर नहीं निभाती भाजपा। देखिए, ये वैसे राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है हमारा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वादा निभाती, हम 303 पे आए ना, फिर भी शिवसेना को हमने साथ रखा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा वादा निभाती है। और ये जो विषय भी जो है, इस पर जो कमेंट करेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अपना आप करेगा, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व। लेकिन आपके कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, ये तो आप चूंकि आप उस राज्य मंत्री हैं उसी विभाग के, जब शिवसेना ने वहाँ सरकार बनाने का सोच लिया और NCP की ये कंडीशन थी, तो ये तो होना ही था। लेकिन जब शिवसेना हमारे साथ नहीं आए, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका रहना वैसे भी नैतिकता का तकाजा है, और जो बातें उन्होंने कही है उसमें सच्चाई नहीं है। पर आप इसे कैसे देख रहे हैं कि शिवसेना जो गवर्नमेंट बना रही है उसमें कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? NCP सपोर्ट कर रही है, क्या ये मतलब किस तरह से आप रेखांकित करते हैं? आपको भी लंबा अनुभव है। जैसे कर्नाटक में जैसे अनैतिक गठजोड़ हुआ, ये इस तरह का भी एक अनैतिक गठजोड़ है। और जो राजनीति, जिसको हम कहते हैं राजनीति में शुचिता रहनी चाहिए, राजनीति में पारदर्शिता रहनी चाहिए, राजनीति में ईमानदारी रहनी चाहिए, इन सब विषयों के खिलाफ है विषय। लेकिन फिर भी जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र ने कहा, हमारी शुभेच्छा। तो ये थे अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में जो है जनता भाजपा के साथ जाएगी। उन्होंने राजस्थान सरकार के कार्यों को लेकर सवाल उठाए, वहीं शिवसेना के सरकार बनाने को लेकर उन्होंने इतना जरूर कहा कि नैतिक आधार पर जो किया है वो मंत्री को करना था, लेकिन बाकी सवालों का जवाब केवल मुस्कुराहट से ही दिया। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।